स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। हम मान लो तीन वेक्टर्स आपके पास, वेरी फर्स्ट वेक्टर इज ए बार, ये दिया ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ये ए बार दिया। मान लो बी बार दिया आपको ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। मान लो सी बार दिया ए थ्री आई कैप प्लस बी थ्री जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ये तीन वेक्टर्स आपके पास ए बी सी, और इसे फर्स्ट ऑफ टेस्ट भी दिया ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। ठीक है, करना क्या है हमको, फाइंड करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला है उसका, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेक्टर दूसरे वेक्टर से डॉट करके रिलेशन में आ रहा है, और डॉट को हम लोग स्केलर बोलते हैं, पढ़ा था, और तीन वेक्टर्स हैं इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम लोग बॉक्स में ऐसा भी लिखते हैं, ए बार बी बार सी बार, ऐसा ही लिखते हैं, ए बार बी बार एंड देन सी बार, ए बार बी बार एंड देन सी बार, ऐसा भी लिखते हैं, ए बार बी बार एंड सी बार। और इसका फाइनल आंसर कैसा आता है, दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए वन बी वन सी वन देन ए टू B2 and then C2, then A3, B3 and then C3. This is the answer. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3. This is the answer for scalar triple product. देख लो अच्छे समझ में आएगा। Clear इतना? Listen देखो आपको, please. हम लोग को समझ तो बहुत ईजी है, पर इससे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ेंगे जो डिटरमाइन के प्रॉपर्टीज। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमको कहीं ना कहीं डिटरमाइन का प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या था उसको लिखाता हूँ, एक ही करके लिखाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्टकट में इसको हम लोग एच टी पी बोल सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड एज एच टी पी। ठीक है, हटाना इसको, सो ये तो क्लियर हो गया फॉर्मूला सबको, फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम क्या देगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत इजी टॉपिक है, इसे ध्यान देना अच्छे से। टॉपिक का नाम है मेरा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटी। ठीक है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब डिटरमिनेंट वाला ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो डिटरमिनेंट जिसको अच्छे से आ रहेगा उसको अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आए। ठीक है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एचटीपी लिखूंगा शॉर्ट में, जहां जहां स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट does not change its value, does not change, does not change its value. A cyclic change of vectors in scalar triple product does not change its value. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये a bar, ये b bar और ये c bar है,
ए बार बी बार और सी बार। तो ए बार बी बार और सी बार को आप साइक्लिक चेंज कर सकते हो। साइक्लिक चेंज ऐसा होता है, पूरा साइकिल में चेंज होगा ना, मतलब ऐसा ये ए ये बी और ये सी, ये पूरा साइकिल में चेंज होगा। ये इधर गया, ये इधर गया, इधर गया, पूरा साइकिल चेंज होगा। इधर आ गया सी, इधर आ गया ए, इधर आ गया सेम भी इधर भी होगा, इधर आ गया फिर बी, इधर आ गया सी, इधर आ गया ए, इसको साइकिल चेंज। ए के एडजेशन में बी और सी है, ए के एडजेशन में बी और सी है, ए के एडजेशन में बी और सी है, सर्कुलर परमुटेशन बोल सकते हैं इसको, सेम होता है अरेंजमेंट, समझे। सो साइक्लिक चेंज बोलते हैं इसको। तो ए बी सी ये सेम है ना, इसके साथ साइक्लिक करो क्या आएगा, ए बी सी सेम एज बी सी ए, साइक्लिक हो गया, सब घुमा साथ में, सब एक आगे शिफ्ट हो गया, बी सी ए कैन बी डन एज सी ए बी, समझा। साइक्लिक चेंज क्या होता है, पूरा पूरा साइकिल रोटेट हो गया। साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट Does not change its value, ठीक है। अब एक्चुअल में वैल्यू चेंज क्यों होता है बताता हूँ मैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था डिटरमिनेंट में, मैट्रिसेस में, कि अगर एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस से चेंज होता है। तो ये ए बी सी बी बी सी ए में चेंज क्यों नहीं हुआ, देखो ए बी सी में ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है। तो पहला आपका रो वन रो टू चेंज हुआ, तो रो वन रो टू चेंज हुआ, तो यहाँ पे आ गया रो टू, आपका आ गया रो वन, बाहर माइनस आएगा, क्योंकि सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स, एक रो अगर दूसरे रो से इंटरचेंज हो तो साइन चेंज होता है, ठीक है। अब वापस से ना रो वन और रो थ्री आपस में चेंज हुआ, तो रो वन रो थ्री चेंज हुआ तो हो जाएगा रो थ्री, ये हो जाएगा रो वन, समझे। तो आपका माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझे। तो देखो बी आ गया, सी आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है, बी सी, तो दो दो बार इंटरचेंज हुआ, इसके लिए आपका साइन दिख रहा नहीं हुआ, सिंगल इंटरचेंज होता तो साइन दिखाई देता था। बोलो समझा पाया मैं बराबर, जिस चीज कंफर्म करता हूँ, समझाइए। ए बी सी बी सी ए सी ए बी ए पी है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंफर्म करो। यस साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स, पूरा साइकिल चेंज हुआ, जब साइकिल चेंज करते हैं हम लोग तो दो वेक्टर्स चेंज होता है, अगला आर वन आर टू के साथ, फिर आर टू आर थ्री के साथ। तो आर वन आर टू के साथ माइनस साइन, आर टू आर थ्री के साथ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट Does not change its value. Does not change its value. अब देखो दूसरे में समझ में आएगा, दूसरा क्या बोल रहा है, a single interchange of vectors, a single interchange of vectors, a single interchange of vectors in scalar triple product, a single interchange of vectors in scalar triple product change the sign of its value. Change the sign of its value. A single interchange of vectors in scalar triple product change the sign of its value. ठीक है, change the sign of its value. ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ही वेक्टर का चेंज हुआ, एक ही अगर वेक्टर इंटरचेंज हुआ, जैसे कि देखो समझना कोशिश करना यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे ए बी सी है, आपने किसी एक पेयर को चेंज कर दिया, सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स, अभी एक पेयर कैसे चेंज होगा, ए बी का हो जाएगा बी ए बी ए सी, क्या हुआ सिर्फ एक ही पेयर चेंज हुआ, कौन सा आर वन आर टू, सिर्फ एक ही पेयर चेंज हुआ, कौन सा आर वन आर टू, ए बी सी का बन गया बी ए सी, बी ए सी में क्या हुआ भाई, सिर्फ आर वन आर टू चेंज हुआ, साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। सेम वे ए बी सी, मैंने ए को सेम रखा, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ए और सी को चेंज करूँ, बी को सेम रखता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने पहले सी को फिक्स करा, सी मेरा फिक्स है, चेंज क्या हुआ आर वन आर टू, अब मैं बी को फिक्स कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ आर वन आर थ्री को, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, क्या आएगा बाहर माइनस, आर वन आर थ्री चेंज हुआ। सेम वे भी ए को फिक्स रखो, तो ए को फिक्स रखा तो यहाँ पे क्या आएगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा आर क्या आएगा, तो हो क्या रहा है, इसको ये बनाया तो एक ही ऑपरेशन चेंज किया आर वन इंटरचेंज विद आर टू, इसको ये बनाया तो एक ही ऑपरेशन चेंज हुआ आर वन इंटरचेंज विद आर थ्री, इसको ये बनाया तो एक ही ऑपरेशन चेंज किया आर टू इंटरचेंज विद आर थ्री, तो सिंगल इंटरचेंज में क्या होता है साइन चेंज होता है,
सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज द साइन ऑफ इट्स वैल्यू. क्यों? क्योंकि अगर आप एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? माइनस से चेंज होता है. और ये डिटरमिनेंट ही मैंने बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट. बोलो क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी सबको? आया ना? कंफर्म बोलो. यस यस. थर्ड का है, थर्ड का है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो कब का होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज जीरो. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज जीरो इफ इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग is true. If any one of the following is true, the very first one. कब scalar triple product का value zero होने वाला है? कब scalar triple product का value zero होने वाला है? पहला, अगर कोई भी vector zero हो जाए तो, one of the vector is zero vector. कोई भी vector zero हो जाए तो हो जाएगा. One of the vector is a zero vector. अगर कोई भी vector zero हो जाए, तीनों में से कोई भी zero हो जाए, तो पूरा का पूरा scalar triple product zero हो जाएगा. दूसरा, any two vectors are collinear. अगर कोई दो vectors collinear हो जाए, any two vectors are collinear. क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि a bar is equal to lambda b bar, आपको पता है ना, दो vectors collinear होते हैं, दोनों में lambda का relation होता है. तो लैम्ब्डा बी बार और बी बार, तो लैम्ब्डा बाहर निकला, बी बार सेम हो जाएगा. तो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई दो रो सेम दिखता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो. तो अगर एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर मतलब दो रो सेम दिखेगा, और दो रो अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? जीरो. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा इसका? थर्ड पॉइंट रहेगा द थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर. द थ्री वेक्टर्स आर व्हाट? द थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर. तीनों के तीनों वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा. तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर? ऑल द थ्री वेक्टर्स लाइन अ सेम प्लेस. प्लीज इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ, सुनो. ये मेरा ए बार, ये बी बार और ये सी बार. ठीक है, ए बार तो यही रहेगा. आप सबको पता है कि बी, अगर ये बी बार और सी बार है तो इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा वो कौन रहेगा? बी क्रॉस. तो अगर B और C बार, अगर B और C बार आपके प्लेन में लाई करते हैं तो B क्रॉस C जो रहेगा वो प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा. तो A बार और B क्रॉस C में क्या रिलेशन है? सुनना अच्छे से, समझना, डिटेल में लेके जा रहा हूँ. A बार भी प्लेन में लाई करता है, B बार और C बार भी प्लेन में लाई करता है. तो B बार और C बार अगर प्लेन में लाई करता है तो B और C को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या रहेगा? B क्रॉस C. B क्रॉस C क्या रहेगा? प्लेन को परपेंडिकुलर. तो जो चीज प्लेन को परपेंडिकुलर हो ए बार को भी परपेंडिकुलर है. सो ए बार में और बी क्रॉस सी में क्या रिलेशन है? ए बार और बी क्रॉस सी में परपेंडिकुलर रिलेशन आ गया. और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो आता है जीरो. तो दो वेक्टर्स कौन है यहाँ पे? ए बार, और दूसरा कौन है? बी बार क्रॉस सी बार. और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो. सो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो. समझा? क्योंकि कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा. तीन वेक्टर्स जब कोप्लेनर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साथ में डॉट प्रोडक्ट ऑनली ना, कैसे पता चला? देखो डॉट ही आया ना, तो पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी. ए और बी क्रॉस सी में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर. तो एंगल कितना आएगा? कॉस 90. और कॉस 90 कितना आ जाएगा? जीरो. समझा गया? एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं. एवरीवन, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो रहेगा अगर ये तीन कंडीशन ट्रू है तो. कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाए, या तो कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर हो जाए, या तो कोई भी तीनों के तीनों कोप्लेनर हो जाए. ठीक है, समझे सबको? ये बोलो आया ना? क्लियर है? थर्ड वाला एक बार फिर से बताओ. थर्ड वाला मैंने ये बताया कि कोप्लेनर मतलब क्या होता है? कोप्लेनर द लाइन है सेम प्लेन, राइट? तो ये हो गया मेरा ए बार, ये मान लो ये हो गया बी बार,
और ये हो गया सी बार, ऐसा कुछ है। तो ए बार बी बार सी बार सेम प्लेन में लाई करते हैं, अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो कोपलानर बोलते हैं। तो बी बार और सी बार को जो परपेंडिकुलर रहेगा कौन रहेगा, बी क्रॉस सी, ठीक है ना। उन्होंने पढ़ा देगा ये क्या पढ़ा था हमने, क्रॉस पर पढ़ा था ए और बी को परपेंडिकुलर कौन था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी, तो बी और सी को परपेंडिकुलर कौन रहेगा, बी क्रॉस सी। तो इस प्लेन के ऊपर खड़ा है बी क्रॉस सी, प्लेन के ऊपर खड़ा है इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो मान लो मेरा हाथ जो है बी क्रॉस सी है, या ऐसा ये बी क्रॉस सी, देखो ये एक बी रहेगा एक सी रहेगा, तो ये जो खड़ा रहेगा एक कोने मार्कर, ये मार्कर बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, हाँ ना। अगर बी क्रॉस सी पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी ए को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ए बार और बी क्रॉस सी में क्या रिलेशन है, ए बार और बी क्रॉस सी में परपेंडिकुलर का रिलेशन है। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, हमने पढ़ा था कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो गया। अगर जब तीन वेक्टर्स कोपलानर रहेंगे तो, बोलो नहीं समझा, समझा सर, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो काम में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीन प्रॉपर्टीज, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आता है कि अगर आपने डॉट को क्रॉस से बदला या क्रॉस को डॉट से बदला, तो वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। क्या बोल रहे हैं सुनो, एन इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस in scalar triple product, interchange of dot and cross in scalar triple product does not change its value, an interchange of dot and cross in scalar triple product does not change its value, that is a dot b cross c can also be done as A cross B dot C, डॉट की जगह पे क्रॉस आ गया, क्रॉस की जगह पे डॉट आ गया, इतना याद रखना जो क्रॉस में रहेगा वो एक ही रहेगा और डॉट अलग रहेगा। इसका मतलब वही होता ना, A cross B dot C वही सेम होगा। अंडरस्टूड, दिस आर द फोर प्रॉपर्टीज, रीड करो एक बार अच्छे से, समझ लो, जो चीज नहीं समझा पूछो, जो चीज नहीं समझ में आओ सामने से पूछो, अच्छे से गो थ्रू करो, जो नहीं समझा पूछो सामने। These are the four properties of scalar triple product. आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, ले देखना, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर रहेगा सबको, इतना श्योर समझा है, कंफर्म है। कोई प्रॉपर्टीज पे पूछना है कुछ किसी को, प्रॉपर्टीज में कुछ पूछना है किसी को? नो सर।
आज एक्सरसाइज 5.5 है, एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में सबसे पहला सो एक्सरसाइज 5.5 का सबसे पहला सो ध्यान देना, हमको बोला गया फाइंड करने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी और ए बी और सी दिया है, ए बी और सी दिया है, ए कितना दिया पे, ए दिया है 3R माइनस जे प्लस 4K, 3R माइनस जे प्लस 4K, बी बार कितना दिया है 2y प्लस 3j माइनस k, और c बार कितना दिया आपको माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k, a बार b बार c बार, ठीक है। हमको बोला गया है चार ढूंढने के लिए फाइंड a डॉट b क्रॉस c, जो हम लोग a डॉट b क्रॉस c ढूंढेंगे यू नो द फॉर्मूला, a डॉट b क्रॉस c फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा 3 माइनस 1 4 इधर 2 3 माइनस 1 इधर माइनस 5 2 एंड देन 3, क्लियर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ 3 3 इज 9 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस 1, 2 3 इज 6 माइनस 1 माइनस 5 5 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 4 कितना आएगा 4 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक कितना आ गया 3 इंटू 11 33 प्लस 1 4 इंटू 19 4 जा 76, ठीक है 77 और 33 कितना आएगा 110, ठीक है कितना आएगा इसका आंसर 110 यूनिट्स, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी कितना मिला हम लोग को 110 यूनिट्स, छह सम में समझ में आया ए डॉट बी क्रॉस सी सबको आया ना, यस कुछ नहीं सम में सिंपल से होगा, ठीक है आगे मूव करते हैं, ये सिंपल से समझता है। अभी आगे मूव करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ, वो फॉर्मूला बहुत अच्छी याद रखना, वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड, इसका प्रूफ रिलेटेड है, दोनों को फॉर्मूला पढ़ना है, वी आर गोइंग टू मेक अ नोट ऑफ इट, we want to make a note of it. The very first one is volume of parallelepiped. Volume of parallelepiped. Parallelepiped कहीं ना कहीं keyboard जैसा shape का होता है, volume of parallelepiped क्या रहेगा, अगर इसका co-terminus जैसे a b c है तो volume of parallelepiped रहेगा a bar b bar c bar, तो वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइप रहेगा ए बार बी बार है सी बार। दूसरे का आते हैं, दूसरे का नाम है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड, दूसरे का नाम है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार है सी बार, ठीक। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मिलेगा 1/6 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार है सी बार, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइप और दूसरा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, सो वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइप रहेगा मेरा ए बी सी और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन रहेगा मेरा 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी सी, 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ठीक है क्लियर है फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइप ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ठीक है 1/6 पार्ट ऑफ ए बी सी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया तीन वेक्टर्स है, तीनों का नाम ले लेते हैं, नाम लेना जरूरी है, तो एक पहले को ए बार बोल देते हैं, सो ए बार कितना दिया यहाँ पर 3i कैप प्लस 5k कैप, ए बार दिया है एज्यूम किया मैंने ये नाम दिया इसको, बी बार कितना आएगा, बी बार होगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, ये हो गया बी बार, और सी बार कितना दिया है, सी बार दिया है 3i cap plus j cap plus 4k cap,
तो मेरे पास ए बार हो गया, बी बार हो गया, सी बार हो गया, ये तीनों के तीनों फोर टर्मिनल एजेस है. वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम. तो फॉर्मूला पढ़ा रहेगा आपने, क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी. ठीक है, और आपको पता है एबीसी का डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा कितना आएगा. 3, 0, 5, 4, 2, -3, 3, 1, 4. दिस इज आंसर. देखो समझ में आया, कंफर्म करो. ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ. चार्ट बॉक्स को लिखो आया तो. Volume of parallel pipe is ABC. Determine solve करो, बताओ कितना आना चाहिए आंसर. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी. क्या रहेगा इसका आंसर? बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी. बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया इसका? सो थर्ड क्वेश्चन दिया है, अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ठीक है, तो फिर से उनको नाम लेना पड़ेगा इसका, ए बार, बी बार एंड सी बार. तो ए बार कितना दिया है? ए बार दिया है -3i cap + 4j cap - 2k cap. b बार कितना दिया इसका? i cap + 2k cap. i cap + 2k cap. और c बार कितना दिया इसका? i cap - pj cap. तो a बार, b बार और c बार तीनों के तीनों कोप्लेनर है. ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे तो उनका बॉक्स पर जीरो होता है. सिंस A bar, B bar and C bar, फिर A bar, B bar and C bar एक कोप्लेनर है. Since A bar, B bar and C bar एक कोप्लेनर, इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट रहेगा ए बी सी क्या रहेगा? वो बिल्कुल जीरो. बॉक्स प्रोडक्ट रहेगा जीरो. तो जब वो बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? -3, then 4, and then -2. इधर क्या रहेगा? 1, 0, 2. इधर क्या रहेगा? 1, -3, 0. And this is equal to what? 0. आपको मैंने वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में लिखा था ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होगा अगर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. कोई भी एक 0 हो जाए, या कोई दो कोलिनर हो जाए, या कोई तीनों के तीनों पैरेलल कोप्लेनर हो जाए. सो तीनों के तीनों कोप्लेनर रहेंगे तो बॉक्स पर कितना आएगा? 0. सॉल्व करो, बताओ पी का वैल्यू कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ. आया कितना?
करेक्ट है। टू टू आया करेक्ट, टू है करेक्ट है। आजा सब नंबर कोच में, फोर्थ का फर्स्ट में बता रहा हूँ, सेकंड में आप लोग से करवाऊंगा, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट में बता रहा हूँ, सेकंड आप लोग करोगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे फोर्थ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में दो सब क्वेश्चन है, पहले हम लोग पहले देखते हैं सब क्वेश्चन क्या है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया प्रूव दैट, पहला दिया है ए बार, बाद में दिया यहाँ पे बी बार प्लस सी बार, और बाद में दिया यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इन तीनों का प्रोडक्ट आता है जीरो, ये प्रूफ करना है। ए बार देन बी बार प्लस सी बार एंड देन बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आता है, इन तीनों का प्रोडक्ट आता है जीरो। सबसे पहले इसका एलएचएस सीख करते हैं, एलएचएस का इसका पहला ए बार, दूसरा बी बार प्लस सी बार, तीसरा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये तीन एलएचएस इसका, ए बार बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट समझा। प्लस एक दो तीन, क्लियर है। ये बॉक्स प्लॉट है ना, बॉक्स प्लॉट को दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बार डॉट इधर आएगा बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे आता है ना बॉक्स प्लॉट का दूसरा ऑल्टरनेटिव है, ए डॉट बी क्रॉस सी, सबको समझा इतना इतना कंफर्म करो पहले, पीछे समझ में आया, ए बार डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए, समझा क्या किया, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर थर्ड वेक्टर, तो ए डॉट बी क्रॉस सी का फॉर्मेट हो गया। अभी ए बार को बाहर ही रखो, अंदर ना मल्टीप्लाई करो, अंदर हमारे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे होगा देखो, बी पहले ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बी क्रॉस ए, फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा बी क्रॉस बी, फिर बी सी से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा बी क्रॉस सी, बी का हो गया सबके साथ सी के साथ आ जाओ, सी ए से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा सी क्रॉस ए, सी बी से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा सी क्रॉस बी, फिर C C से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा C क्रॉस C, अंडरस्टूड। अब इसमें ना हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो, A बार डॉट B बार क्रॉस A बार, ठीक है, ये B क्रॉस B जीरो हो जाएगा, क्यों, दो वेक्टर जगह कोलिनर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, A क्रॉस A जीरो होता है, कोलिनर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है जीरो, क्यों, कोलिनर वेक्टर्स में एंगल जीरो होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो आ जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी कितना आता है मैडम, सी क्रॉस सी कितना आएगा जीरो, इतना क्लियर है, समझा अच्छे से सबको, रीजन पता ही है सबको, रीजन क्या था कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी, ये बचाना मल्टीप्लाई कर लो, पहला मल्टीप्लाई होगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होगा पहला, ए बार बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, तीसरा कितना आएगा प्लस ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, और चौथा कितना आएगा ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार, अंडरस्टूड। ए पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट बी क्रॉस ए, ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट सी क्रॉस ए, ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट सी क्रॉस बी, इसको बॉक्स फॉर्म में लिखो, बॉक्स फॉर्म में कैसा आएगा ये, ए बार बी बार ए बार, इधर कितना आएगा ए बार
बी बार सी बार, ये कितना आएगा बॉक्स फॉर्म में तीसरा, ए बार सी बार ए बार, और चौथा कितना आएगा ए बार सी बार बी बार, प्लस इसका आंसर जीरो होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होता है अगर कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, तो ए बार देखो फर्स्ट और थर्ड कोलिनियर है, फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, डिटरमिनेंट जीरो ही होगा, ये सेम रहेगा मेरा ए बी सी, ये भी जीरो होगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड फिर से सेम है, और ए सी बी को अगर मैं सी और बी को शिफ्ट करता हूँ तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार, माइनस ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार, तो ए बी सी कितना हो गया आंसर जीरो। ये प्रूफ करना था आपको, देखो हर एक स्टेप को समझ में आया, प्रॉपर्टीज यूज किया, पहले हमने बॉक्स प्लॉट को ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा, अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, b क्रॉस b जीरो हो जाएगा, c क्रॉस c जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोलिनियर प्रॉपर्टी, a बार को सबसे मल्टीप्लाई किया, चार वेक्टर्स आए, एक दो तीन चार, पहला जीरो है क्योंकि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, तीसरा जीरो है क्योंकि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, सेकंड बचा ए बी सी और फोर्थ बचा ए सी बी, ए सी बी को मैं प्रॉपर्टी से घुमा सकता हूँ, सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर चेंजेस द साइन ऑफ इट्स वैल्यू, तो सी बी को घुमाया बी सी बनाया तो साइन चेंज हो गया, तो ए बी सी माइनस ए बी सी का आ गया आंसर जीरो। कंफर्म करो समझ में आएगी नहीं, एंड कंफर्मेशन गाइस समझा कि नहीं, ठीक है सर समझा, तो इसका सेकंड सॉल्व करना आपको, सेकंड में बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सेकंड ट्राई करो, अच्छे से काम करो, सेकंड होमवर्क में करो, सेकंड आप लोग आराम से ट्राई करना, प्रूफ करके तो मेरे को थर्ड वाला फिफ्थ सिक्स से प्रूफ करो, फिफ्थ पर फिफ्थ फिफ्थ में करा दो, फिफ्थ वाला मैं कराता हूँ, ध्यान देना आप और सेकंड वाला आपको होमवर्क में करो, टाइम जाएगा थोड़ा, इसके लिए बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करना है, ठीक है। बात करते हैं आप लोग सम नंबर फिफ्थ का, और फिफ्थ में दो क्वेश्चन दिया हमने, क्या दिया है प्रूफ करना है कि बॉक्स पर जीरो है अगर सी का वैल्यू थ्री ए बार माइनस टू बी बार है, प्रूफ करना है कि बॉक्स पर जीरो है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जिनको अच्छे से याद है उनको क्वेश्चन बहुत इजी जाने वाला है, ठीक है हमको प्रूफ करना है कि बॉक्स पर जीरो है, ठीक है लेट अस कंसीडर, क्या लेंगे हम लोग, वी विल कंसीडर ए बी सी, हम लोग ले लेते हैं ए बार यहाँ पे बी बार और यहाँ पे सी बार, ए बी सी ले लिया, अब ए बी सी में गाइस ए बार तो सेम रहेगा बी बार भी सेम रहेगा, सी के जगह क्या आएगा 3a बार माइनस 2b बार, थर्ड रो में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 3a बार माइनस 2b बार, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं दो, 3a बार माइनस 2b बार, सो डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी था कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो चीज में एक्सप्रेस हुआ है तो उसको ना तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा कुछ था, देखो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, कैसे फर्स्ट रो सेम रहेगा सेकेंड रो सेम रहेगा, पहला डिटरमिनेंट पहला पहला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगा सेकंड रो सेम रहेगा, दूसरा डिटरमिनेंट दूसरा दूसरा एलिमेंट आएगा, याद आएगा, इफ योर कॉलम इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू नंबर्स देन द डिटरमिनेंट इज आल्सो एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स एंड द डिटरमिनेंट इज आल्सो एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, जो आंसर हो गया आपका, तोड़ दो इसको, पहले डिटरमिनेंट में हम लोग थ्री ए ले लेंगे, कितना आएगा ए बार बी बार एंड देन थ्री ए बार, माइनस बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे डिटरमिनेंट में प्लस भी एंड में फर्क नहीं पड़ता, दूसरे डिटरमिनेंट में आएगा ए बार बी बार एंड देन माइनस टू बी बार, गाइस इसका भी आंसर जीरो है क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड रो का कोलिनियर दिख रहा है आपको, और इसका भी आंसर जीरो है क्योंकि फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो कोलिनियर है, जीरो दिख रहा है, फाइनल आंसर कितना आएगा जीरो, देखो जब बॉक्स प्लॉट इज जीरो, नहीं समझा तो बोलो, समझा कि नहीं समझा, समझा एवरीवन, सिंपल है ना, फर्स्ट रो जीरो होगा क्योंकि कोलिनियर है, सेकंड रो थर्ड रो जीरो होगा क्योंकि कोलिनियर है, समझो, चलो सॉल्व करो आप लोग सम नंबर सिक्स से सॉल्व करो, सम नंबर सिक्स में क्या करना है आपको पता ही है, सम नंबर सिक्स में आपको तीन वेक्टर्स दिया है यू आर डब्ल्यू, ठीक है तो आपको बोला गया पहले यू प्लस डब्ल्यू निकालो, सम नंबर सिक्स में यू प्लस डब्ल्यू निकालो, फिर यू इंटू आर निकालो, यू इंटू आर का आंसर कैसे आएगा, आई कैप जे कैप ए कैप, फिर U का कोएफिशिएंट, फिर R का कोएफिशिएंट, फिर R क्रॉस W निकालो सेम वे, I J K, R का कोएफिशिएंट W का कोएफिशिएंट, और फिर बाद में दोनों तीनों का बॉक्स फोल्ड निकालो, तो U प्लस W डॉट
यू क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस डब्ल्यू, आंसर निकालो। मेरे को लगता है समझ में तो आ रहेगा मेरे को, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी वाला प्रोसेस है, तो पहले यू प्लस डब्ल्यू निकाला दोनों को ऐड करके, फिर क्रॉस प्रोड्यूस किया यू क्रॉस आर निकाला, क्रॉस प्रोड्यूस किया आर क्रॉस डब्ल्यू निकाला, फिर तीनों वेक्टर्स हो गए, तीनों का हम लोग को क्या करना है बॉक्स कोड निकालना है। तो पहला रो में यू प्लस डब्ल्यू का कोएफिशिएंट, दूसरे रो में यू इनटू आर का कोएफिशिएंट, और तीसरे रो में आर क्रॉस डब्ल्यू का कोएफिशिएंट। सिक्स्थ और सेवन्थ आप लोग करना है, फटाफट स्पीड पढ़ो। सेवन्थ में आपको बोला गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अभी वहां पे चार पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, चार पॉइंट्स हैं। तो ए का जो पोजीशन रहेगा उसको ए बार बोल दो, बी का जो रहेगा वो बी बार बोल दो, सी का जो रहेगा सी बार बोल दो, डी का जो रहेगा वो डी बार बोल दो। तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा वहां पे, देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या था, 1/6 टाइम्स ऑफ एबीसी। बट एबीसी जब तीन वेक्टर्स दिया था, यहाँ पे तीन वेक्टर्स नहीं दिया था, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तीन वेक्टर्स ऐसे लेने पड़ेंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड देन ए डी वेक्टर, ये तीन वेक्टर हो गया हमारा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6, ब्रैकेट में आएगा ए बी ए सी एंड ए डी। ए बी कैसे निकालोगे आप, ए बी निकालने के लिए आप यूज करोगे बी बार माइनस ए बार, ए सी कैसे निकालोगे सी बार माइनस ए बार, ए डी कैसे निकालोगे बी बार माइनस ए बार, ठीक है। चलो सॉल्व करो, गेट मी द आंसर फॉर 6 एंड 7। रो 6 में w j j कैप कॉमा k कैप है क्या, एक मिनट कॉमा नहीं आएगा, प्लस आएगा वहां पे बीच में, कॉमा कैसे आएगा देखो चेक। 6th में w में है j कैप माइनस k कैप है, w में j कैप माइनस k कैप, तो टाइम लगेगा इसको, आराम से एफर्ट डालो। दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू दिया जे कैप माइनस के कैप, 5 पॉइंट मिलते हैं दोस्तों के लिए, आराम से सॉल्व करो।
हाँ दोनों का आंसर यस सर, एक माइनस 12 और एक 16/3। पहला आएगा माइनस 12 बराबर है सिक्स वाले का, 7 वाले कितना है 16/3। 16/3 करेक्ट है दोनों का, माइनस 12 आएगा 7th का 6th का और 8 7th का आएगा 16/3। ठीक है सेम समय आपका ऐसे अभी आगे के जो क्वेश्चन है ना 8 9 10 हम लोग नहीं करने वाले हैं, बिकॉज रीजन इज कि वो बेस्ड है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग को सिलेबस में डिलीट किया हुआ है। ठीक है एंट्रेंस में है वो, बट एंट्रेंस के टाइम जब एंट्रेंस पढ़ेंगे तब भी करेंगे। सो हम लोग का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वेक्टर्स जो था वो कंप्लीट हो चुका है, अब वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला था वेक्टर्स में ही कुछ क्वेश्चन थे 5.3 में और 5.4 में जो हमें 3D ज्योमेट्री की तरफ लेके जाते हैं। तो अभी मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ टॉपिक का नाम है 3D ज्योमेट्री, तो मैं चाहता हूँ सब लोग लिख लो 3D ज्योमेट्री, टॉपिक का नाम लिख लो 3D ज्योमेट्री, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर ही लाइंस एंड प्लेन्स है। चैप्टर का नाम लिखो 3D ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम क्या लिखा 3D ज्योमेट्री। ठीक है अब सुनना आप ध्यान देना, इसमें हम लोग को दो तीन चीज को पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट वन इज क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है डायरेक्शन एंगल, ये तीनों चीज पढ़ना है। ठीक है टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम बोला मैंने 3D ज्योमेट्री, इसमें यही करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। तो ये अलग चैप्टर है कंबाइन कर दिया इसको वेक्टर से, बट एक्चुअली में एक अलग चैप्टर है। ठीक है गाइस मान लो कि आपका 3D प्लेन है, 3D प्लेन क्या होता है, योगा एक्स एक्सिस, योगा वाई एक्सिस और योगा जेड एक्सिस, थ्री वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किया था ना ऐसा ही कुछ। ठीक है 3 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है अब इसमें ना एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया आर बार। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बनाएगा, बोला जाता है कि एक्स के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये वाई के साथ बनाएगा बीटा, और जेड के साथ कितना बनाएगा, जेड के साथ बनाएगा गामा। सिंपल सी बात है देखो ना, अगर ये मेरा 3D प्लेन है और यहाँ पे एक लाइन लगा दिया मैंने, ठीक है तो ये जो लाइन है ये एक्स के साथ भी एंगल बनाएगा, वाई के साथ भी एंगल बनाएगा और जेड के साथ भी एंगल बनाएगा। तो लॉजिकली सोचो तीनों के साथ एंगल बनाएगा नहीं, तो एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं गामा। बोलो क्लियर है ये अल्फा बीटा गामा, क्लियर है? बोलो आया ना? यस। सो अगर कोई बोलेगा अल्फा क्या है यहाँ पे, तो अल्फा है एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, बीटा क्या है एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और गामा क्या है एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है तो अल्फा बीटा एंड गामा तो क्लियर हो गया सबको, अल्फा बीटा एंड गामा आर नथिंग बट angles made with the line, ठीक है angles made with the axis, x axis, y axis and z axis, ठीक है x axis, y axis and z axis, ठीक है यहाँ पे हम लोग clearly लिख देते हैं। The very first topic का नाम is direction angles,
डायरेक्शन एंगल्स, टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्शन एंगल्स, क्या होगा डायरेक्शन एंगल्स? डायंगल्स मेड बाय अ लाइन, डायंगल्स मेड बाय अ लाइन, डायंगल्स मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है? द एंगल्स मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बाजू में आपको डायग्राम बना के दिखा है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का डायरेक्शन एंगल्स। क्या होता है डायरेक्शन एंगल्स? द एंगल्स मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या रहेगा डायरेक्शन एंगल्स? दे आर टेकन एज, दे आर डिनोटेड एज, दे आर डिनोटेड एज अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो अल्फा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड गामा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो डायरेक्शन एंगल पहला टॉपिक समझा। डायरेक्शन एंगल क्या होता है? द एंगल्स मेड बाय अ लाइन, जो लाइन रहेगा स्पेस में वो लाइन्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है गामा। द एंगल्स मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दे आर डिनोटेड एज अल्फा बीटा एंड गामा, दे आर डिनोटेड एज अल्फा बीटा एंड गामा। कंफर्म इट, समझ में आया डायरेक्शन एंगल सब? ठीक है, डायरेक्शन एंगल समझो, राइट? यस। यहां पे बहुत अच्छे से कि अल्फा क्या रहेगा? एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बीटा क्या रहेगा यहाँ पे? एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और गामा क्या रहेगा यहाँ पे? गामा रहेगा एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा इज अदर लाइंस। ठीक, एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, गामा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा। डायरेक्शन एंगल क्लियर हुआ? डायरेक्शन एंगल को हम मूव करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन एंगल को हम मूव करेंगे डायरेक्शन कोसाइन पे। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, so angle made by the line with positive direction of x axis, ठीक है? Now हम लोग ना direction angle का value निकालते हैं for x, y and z axis। तो यहाँ पे हम लोग direction angle निकालने वाले x axis कितना होगा, y axis कितना होगा और z axis कितना होगा। तो direction angles ध्यान देना आप लोग। direction angles हम लोग यहाँ पे निकालेंगे for x axis, then निकालेंगे हम लोग for y axis, and then निकालेंगे हम लोग फॉर जेड एक्सिस। ये चीज समझना अच्छे ना कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। अगर ये नहीं समझ में आए तो आगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जिसको भी नहीं समझा जाएगा वो प्लीज सच में बताना कि नहीं समझा सकते। प्लस एंगल्स क्या होता है? अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस का एंगल बना रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक, हम लोग ये तीनों चीज पूछा जा रहा है, एक्स एक्सिस क्या बना रहा है, वाई एक्सिस क्या बना रहा है और जेड एक्सिस क्या बना रहा है। प्लस एक्स एक्सिस अल्फा क्या होता है? एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस कुछ के साथ कितना एंगल बनाएगा? जीरो। एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना बनाएगा? वाई के साथ बीटा बनाता है, तो वाई के साथ कितना बनाएगा? वाई के साथ बनाएगा 90। और जेड के साथ कितना बनाएगा? 90। तो 0 90 90 0 90 90। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा? वाई एक्सिस एक्स के साथ बनाएगा 90। बीटा बीटा मतलब वाई के साथ कितना बनाएगा? वाई के साथ जीरो ही बनाएगा। और जेड के साथ कितना बनाएगा? 90। आपको बताना म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों। एक्स एक्सिस एक्स के साथ कुछ जीरो बना रहा है बट वाई और जेड को परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ 90 बनाएगा। वाई एक्सिस वाई के साथ जीरो बनाएगा बट एक्स और जेड को परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ 90 बनाएगा। जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस जेड के साथ जीरो है बट एक्स और वाई के साथ क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। बोलो क्लियर है? ये चीज क्लियर है? बोलो कंफर्म करो। डायरेक्शन एंगल्स
डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस 0 90 90, डायरेक्शन एंगल ऑफ वाई एक्सिस 90 0 90, डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस 90 90 0. कंफर्म करो समझ में आ गई. आई नीड अ कंफर्मेशन. एवरीवन अंडरस्टूड? आया ना? यस यस सर. सो एक्स एक्सिस x के साथ क्या एंगल बना रहा है? 0 90 90. वाई एक्सिस क्या एंगल बना रहा है? 90 0 90. जेड एक्सिस क्या बना रहा है? 90 90 0. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. आगे चलते. ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल्स तो क्लियर हो गया. अब डायरेक्शन एंगल्स के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन एंगल्स के बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस. हर एक चीज पर अच्छे से ध्यान देना. डायरेक्शन एंगल्स के बाद दूसरा टॉपिक का नाम है मेरा डायरेक्शन कोसाइंस. गाइस नाम में समझ में आ रहा है, डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. ठीक है, तो बहुत अच्छे जानते हैं आप. अगर अल्फा बीटा गामा, अगर अल्फा बीटा एंड गामा ये आपका डायरेक्शन एंगल्स है. इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स लाइन, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स मेड बाय लाइन, देन cos alpha cos beta and cos gamma are called direction cosines of that line, are called direction cosines of line. If alpha beta and gamma are angles made by line, then cos alpha cos beta and cos gamma are called direction cosines of line, and they are also denoted as L, M and N. ठीक है, सो cos alpha को क्या बोलेंगे हम लोग? cos alpha को बुला सकते हैं L. L मतलब cos alpha. ठीक है, M मतलब क्या रहेगा? M मतलब रहेगा हमारा cos beta. और एन कितना रहेगा? एन रहेगा मेरा कॉस गामा. तो अगर अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल्स है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस का और एक नाम है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, नहीं बुलाना है इसको, आप उसको एल एम एन भी बुला सकते हो. सो एल का मतलब है कॉस अल्फा, एन का मतलब है कॉस बीटा और एन का मतलब है कॉस गामा. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का नाम हो गया. क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा एंड गामा स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स है ये पढ़ना है हम लोगों को. डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया? डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गामा होता है तो डायरेक्शन कोसाइंस का होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, आल्सो कॉल्ड एज एल एम एन. ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो डायरेक्शन कोसाइंस का रहेगा cos alpha cos beta cos gamma. ठीक है, also called as L M N. आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसके. एवरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है, ध्यान देना. सबसे पहला, फॉर एनी लाइन ठीक है, एक रिलेशन है इसके बीच में, वो सोचो मैं बताऊं कि बात में बताऊं. ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं. फॉर एनी लाइन डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, कोई भी लाइन के लिए अगर जिसका डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, फॉर एनी लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? जिसका डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एंड एन. फॉर एनी लाइन डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, व्हाट वी हैव एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर plus n square is always equal to 1. L square plus m square plus n square is always equal to 1. किसी भी लाइन के लिए अगर आपका डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेन है तो ये कंडीशन ट्रू होगा. L square plus m square plus n square is equal to 1. That is, L को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, क्या? cos square alpha, m को लिख सकता हूँ मैं cos square beta, और n को लिख सकता हूँ मैं cos square gamma. तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma कितना होगा? 1 होगा. So for any line direction cosines LMN,
we have L square plus N square plus N square is equal to 1. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ठीक है, this is a relation between direction cosines of a line. तीनों डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा एंड गामा में क्या रिलेशन है? दिस इज द रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन? द स्क्वायर्स ऑफ ईच कोसाइन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. In other words, L square plus N square plus N square is always equal to 1. It's always equal to 1. This is the first property. Second property, for unit vector, for a unit vector, coefficients of I cap, J cap and K cap, for any unit vector, coefficients of I cap, J cap and K cap, for a unit vector, coefficients of I cap, J cap and K cap are what? Are direction cosines of that vector. Direction cosines of that vector. ठीक है, अगर आपको समझो कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे और यूनिट वेक्टर क्या दे देगा आपको, डायरेक्शन कोसाइंस देगा. एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लो कि ए बार है मेरे पास, ए बार कितना है मेरे पास, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये मेरा ए बार है. ठीक है, अब मेरे को अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा पहले. तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आएगा ये, अंडर रूट ऑफ 3. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना आएगा ये, ए कैप. ए कैप अपॉन कितना आएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. ठीक है, वेक्टर कितना मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, रूट 3. प्लस और माइनस लिखेंगे ना हम लोग, क्योंकि मॉडुलस में दोनों वैल्यू आता है, प्लस और माइनस रूट थ्री दोनों होगा, मैग्नीट्यूड है ना. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में प्लस और माइनस दोनों आता है, चलेगा. तो इसका इसको अलग अलग क्या कैसा आएगा, प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री आई कैप, इधर प्लस में लेते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, वन अपॉन रूट थ्री आई कैप प्लस वन अपॉन रूट थ्री जे कैप प्लस वन अपॉन रूट थ्री ए कैप. क्या बन गया ये, ये बन गया यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर का जो आई जे के का कोएफिशिएंट होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बार कितना रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बार आर क्या रहेगा, पहला रहेगा 1/3 दैट इज अल्फा कॉस अल्फा ऑपोजिट 1/3 कॉस बीटा ऑपोजिट 1/3 कॉस गामा. तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन वेक्टर, अब उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो और यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकालो. बोलो समझ में आए, दो पॉइंट पढ़ाए मैंने. सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर एनी लाइन डायरेक्शन कोसाइन एल एम एल, क्या बनता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. समझा ये. दूसरा, कोई भी यूनिट वेक्टर रहेगा तो कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप क्या रहेगा, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर. ये ए बार, ये उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हम लोग ने यूनिट वेक्टर बनाया और यूनिट वेक्टर का आंसर कितना है, 1/√3 1/√3 एंड देन अगेन 1/√3. तो 1/√3 1/√3 1/√3 क्या रहेगा मेरा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बार. बोलो क्लियर है, शॉर्टकट में डायरेक्शन कोसाइन वैसा लिखना है, डी डॉट सी ऊपर है डायरेक्शन कोसाइन. बोलो कंफर्म करो, समझ में आया, अंडर कंफर्मेशन. सो डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है. अगले टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्शन रेशियो. सो डायरेक्शन कोसाइन्स, डायरेक्शन एंगल्स एंड देन डायरेक्शन रेशियो. तो तीसरा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन रेशियो हटाना इसको. ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा. डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, आल्सो कॉल्ड एज एल एम एन. तीसरा आएगा हमारा डायरेक्शन एंगल्स. तीसरा क्या आएगा हमारा, डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स हो गया, डायरेक्शन कोसाइन्स हो गया, तीसरा आएगा मेरा डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, नाम से समझ में आता है, रेशियो मतलब क्या, प्रोपोर्शनल. तो जो अल्फा बीटा गामा जो एलिमेंट को जो प्रोपोर्शनल रहेगा उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो. भी समझना है यहाँ पे,
the real numbers proportional to direction cosines of a line structure liha hai the real numbers proportional to direction cosines of a line are called direction ratios of that line are called direction ratios of that line are called direction ratios of that line डायरेक्शन कोसाइंस को जो नंबर प्रोपोर्शनल रहेंगे उसका बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस। अभी मान लो कि एल एम एन गाइस एल एम एन क्या है एल एम एन है आपका डायरेक्शन कोसाइंस ठीक है ना। अब इसको कोई नंबर अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा वो के एल ये हो जाएगा के एम और यहाँ पे हो जाएगा के एन के एल के एम के एन क्या है एनी से दैट नंबर्स प्रोपोर्शनल टू कोसाइंस क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस इसी प्रोपोर्शनल नंबर्स को बोलते हैं ए इधर इसको बोलेंगे के एन को बी और यहाँ पे बोलेंगे इसको के एन को सी तो ए बी सी इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोस क्या बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोस ठीक है। The numbers proportional to cosines. अगर LMN आपका direction cosines है, so KL, KM और KN क्या है? Numbers proportional to cosines. तो KL को लिखेंगे A, KM को लिखेंगे B और KN को लिखेंगे C. Called as direction ratios. Called as direction ratios. क्या हो गया ये? Direction ratios. समझो? यहाँ से एक relation बनेगा. A का value कितना आ रहा है? A का value आ रहा है KL. ठीक है? B का value कितना आ रहा है? B का value आ रहा है KM. और सी का वैल्यू कितना आ रहा है के एन ठीक है। तो ए मिल गया के एल बी मिल गया के एम और सी मिल गया के एन यहाँ से मेरे को रिलेशन मिल जाएगा देयरफॉर ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन एंड ऑल इज इक्वल टू व्हाट ऑल इज इक्वल टू के सबके सब किससे इक्वल है के से इक्वल है ठीक है। सो ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन विच इज इक्वल टू के तो ऊपर एबीसी क्या है ऊपर एबीसी मेरा डायरेक्शन रेशियो है और नीचे एलएमएन क्या है मेरा एलएमएन है डायरेक्शन कोसाइंस और के क्या है इनका प्रोपोर्शनल नंबर है। सो एबीसी डायरेक्शन रेशियो है एलएमएन डायरेक्शन कोसाइंस है और के प्रोपोर्शनल है। तो एक याद रखना अच्छे से लाइन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक लाइन के पास एक ही डायरेक्शन कोसाइंस होता है लाइन हैज यूनिक unit direction cosines but infinite direction ratios samjha direction ratio ko likhenge d dot r plus 2s q kyunki line alpha beta gamma unique hi banayega alpha beta gamma unique hi banayega ek hi banayega na to ek hi cosine hoga uske paas but ratios to kitne bhi ho sakte hain proportional hai ratio kitne bhi number ho sakte hain because they are proportional। So a line has unique direction cosines but infinite direction ratio. देखो समझ में आएगा? A line has unique direction cosines but infinite direction ratio. अगर direction ratio, direction cosines और direction angle समझ में आए, topic easy लगेगा आपको. Confirm करो समझा सबको ये, everyone. A line has. तेरा last वाला statement example से बताओ ना. Example से ही बता रहा हूँ. मान लो एक line है आपके पास. I plus J plus K. ठीक है? एक better है ना? I plus J plus K. अब वो जो लाइन है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा वाई के साथ कितना बना रहा है बीटा जेड के साथ कितना बना रहा है गामा तो लाइन एक ही एंगल बनाएगा ना अल्फा बीटा गामा तो अल्फा बीटा गामा एक ही है मेरे पास तो डायरेक्शन कोसाइंस एक ही होगा बट अल्फा बीटा गामा को कितने नंबर्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं हजारों करोड़ों तो इन्फिनिट नंबर्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं ना। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है इट शुड बी हैव अ सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन के तो कुछ भी हो सकता है ना यार एल एम एन तो एक ही होगा बिकॉज अल्फा बीटा गामा यूनिक होगा बट अगर मैं एल एम एन को के से मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्शन रेशियो मिलता है सो एल एम एन अल्फा बीटा गामा एक ही बनाएगा लाइन तो एल एम एन एक ही होगा मतलब यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस कहाँ से निकलता है अल्फा बीटा गामा से निकलता है बट अल्फा बीटा गामा को कितने नंबर प्रोपोर्शन हो सकते हैं करोड़ों लाखों के कितनी हो सकता है इन्फिनिट डायरेक्शन रेशियो नहीं समझा तो एग्जाम्पल लेके बनाओ समझा समझा सर ठीक है। तो लाइन जो है वो एल एम एन भी कॉन्स्टेंट रहेगा ना तो ए बाई एल कॉन्स्टेंट नहीं आएगा क्या
कॉन्स्टेंट ही आएगा ना, मैं कहा बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंट ही आएगा, ये सब तो कॉन्स्टेंट ही ना, प्रोपोर्शनल मतलब कॉन्स्टेंट ही है ना। हाँ यस सर समझा। प्रोपोर्शनल है ना यार, ये देख सिंपल सा एग्जांपल है, अगर ये मेरा एक लाइन है और ये मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो ये लाइन एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है, अगर इस लाइन को घुमा दे तो लाइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये लाइन से एक ही एंगल बनाएगा ना, अल्फा बीटा गामा आया, तो अल्फा बीटा गामा एक बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन तो एक ही होगा, बट इसको लाखों नंबर प्रोपोर्शनल हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं, तो लाइन के पास डायरेक्शन कोसाइन एक ही होता है, बट डायरेक्शन रेशियोस करोड़ होते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा लाइन है आई जे के, तो आई जे के कौन कौन को प्रोपोर्शनल है, 2i + 2j + 2k, 3i + 3j + 3k, 4i + 4j + 4k, ये सब प्रोपोर्शनल हो गया ना उसको, क्लियर हुआ क्या, समझा? यस सर। ठीक है, तो बहुत हो सकता है, नेगेटिव में भी ले सकता है तू उसको, तो यहाँ से इतना चीज समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एबीसी, व्हाट इज एबीसी, numbers proportional to cosines, numbers proportional to cosines, numbers proportional to cosines। आगे मैं कुछ पॉइंटर लिखा रहा हूँ, ध्यान देना उसमें, ठीक है? टॉपिक का नाम है अगला, relation between direction ratios and direction cosines, relation between direction cosines and direction ratios, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, relation between direction cosines and direction ratios। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है मेरा, डायरेक्शन कोसाइंस होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही होता है ना, इसको और एक नाम से बुलाया तो एल एम और यहाँ पे एन, डायरेक्शन कोसाइंस। इसका रिलेशन क्या था, हमने इसका रिलेशन पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, वन, ये हमने पढ़ा था। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो था आपका ए बी सी, ठीक है ना, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब उन्होंने ये भी पढ़ा था कि एल का वैल्यू कितना होता है गाइस, हमने पढ़ा था कि एल का वैल्यू, या ऐसा लिखते हम लोग, ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू होता है के एल, बी का वैल्यू कितना होता है के एम, और सी का वैल्यू कितना आता है के एन, ठीक है, तो यहाँ से ए बाय एल कितना आएगा, ए बाय एल, ठीक है, a इक्वल टू के एल, बी इज इक्वल टू के एम और सी इज इक्वल टू के एन, तो यहाँ से a बाय एल कितना आएगा, इज इक्वल टू बी बाय एम इज इक्वल टू सी बाय एन, तीनों कितना रहेगा मेरा k, वैल्यू ऑफ दिस इज k, इतना क्लियर है, इसका वैल्यू कितना आएगा, k आएगा, ज्यादा समझा सको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सर, ठीक है, अभी l का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू कितना होगा और एन का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है, या के का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला हमको, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना मिला ये, वन, और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आ गया, वन आ गया। अब एल का वैल्यू कॉस अल्फा है, एम का वैल्यू कॉस बीटा और एन का वैल्यू कॉस गामा है, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो यहां से हमको मिलेगा a बाय एल इज इक्वल टू के, बी बाय एम इज इक्वल टू के और c बाय एन भी k मिलेगा, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू गेट द रिलेशन, क्या चाहिए मुझे, रिलेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे इसको, डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ऑल्सो कॉल्ड एज एल एम एन, ये रिलेशन है उसका, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, डायरेक्शन कोसाइन आ गया ए बी सी, ए का वैल्यू है के एल पढ़ा था हमने, बी का वैल्यू के एम और सी का वैल्यू के एन, सो ए इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, बी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, सी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब पुट करते हैं, के का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इसका वैल्यू निकालते हैं के का वैल्यू, सो वी नो दैट, क्या बता हमको कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वन, पढ़ा है ना ये, अगर मैं यहां से एल का वैल्यू निकालू तो एल का वैल्यू कितना मिलेगा, इसको हटा दे रहा हूं मैं, सुनना अच्छी ना, टाइम लगेगा, एल का वैल्यू कितना मिलेगा, ए बाय के, सो ए बाय के का वैल्यू एल आ गया, बी बाय के का वैल्यू एम आ गया और सी बाय के का वैल्यू आ गया एन, पुट करो यहाँ पे,
एलसीएम पुट करेंगे हम लोग ए बाय के का होल स्क्वायर, एन के लिए पुट करेंगे हम लोग बी बाय के का होल स्क्वायर, और एन के लिए पुट करेंगे सी बाय के का वन, ठीक है। कितना आएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर के स्क्वायर वहां पे गया, तो के कितना मिलेगा मुझे, के मिलेगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आया। सो के का वैल्यू कितना मिला, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो एल कितना आएगा, एल आएगा मेरा ए अपॉन के। सो के कितना हो जाएगा, क्या था एल कितना था, ए अपॉन के। सो ए विल बी एज इट इज, ए कितना हो जाएगा प्लस और माइनस, ए के लिए उसका वैल्यू डालो कितना आएगा वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोस। एल मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, ए मेरा डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी मेरा डायरेक्शन रेशियो है। सेम भी मेरा एन कितना आएगा, एन हो जाएगा मेरा बी अपॉन के। सो बी प्लस और माइनस बी, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर एन का वैल्यू आएगा, एन का वैल्यू आएगा सी अपॉन के, कितना आएगा इसका आंसर, प्लस और माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एलिमेंट तीनों रेडी हो गया मेरे पास, डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन के यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट, डायरेक्शन रेशियो के यहाँ पे ए बी सी। तो ए का वैल्यू कितना, ए बाय एल मिलेगा, ए बाय के मिलेगा एल, बी बाय के मिलेगा एन, सी बाय के मिलेगा एन। सो वी नो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो गया, वन हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना मिलेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल कितना आ गया, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम कितना आ गया, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो कौन है यहाँ पे, ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन कौन है यहाँ पे, एल एम एन। समझ में आया, कन्फर्म इट, कन्फर्म इट, समझा सबको, एवरी वन? Yes. तो आपको तीन चीज याद रखना अगले लेक्चर में आने से पहले। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा, डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, गामा एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आल्सो रिप्रेजेंटेड एज एलिमेंट। इफ एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, देन A, B, C are the direction ratios, where A, B, C are the numbers proportional to cosines. ठीक है, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स, LMN डायरेक्शन कोसाइंस, A, B, C डायरेक्शन रेशियोज। ये चीज अच्छे से याद रखना, रिलेशन याद करके आना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एल्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। Relation between direction cosines and direction ratios, L is equal to plus or minus A upon root of A square plus B square plus C square, M is equal to plus or minus B upon root of A square plus B square plus C square, N is equal to plus or minus C upon under root of A square plus B square plus C square. I hope इतना पढ़ के आओगे तो आगे का जो sums रहेगा अपना 5.3 5.4 में वो आराम से cover हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं next lecture में, till then thank you everyone, bye bye, take care, bye guys, take the screenshot of this, thank you everyone.